Hi everyone, assalamu alaikum, good morning. It's me Zavi Khan with longest nails in Pakistan. आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ. थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ. तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ कपड़े धोना. तो चलिए मिशन स्टार्ट करते हैं. अभी मैं अपने नए किरानों के बारे में मम्मा को बताने गई थी कि मैंने इरादा किया कि आज मैं अपने कपड़े खुद वॉश करूँगी और ये बता दें कि पानी कितना डालना होता है, डिटर्जेंट पाउडर कितना डालना होता है, ETC. लेकिन मेरे घर वालों को मेरा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया. उन्होंने बोला एक ट्राउज़र और शर्ट धोने से क्या होता है बेटा, जितने कपड़े पड़े हैं सारे धो डालो. पानी मैंने पहले ही ऐड कर लिया था और डिटर्जेंट पाउडर मैं अभी बड़ा ही नाप तोल के डाल रही हूँ. और अब जितने भी कपड़े बाहर पड़े मैं सारे उठा के ले आऊँगी और सारे एक साथ डाल दूँगी. इतनी जज्बाती हो गई थी कि मैंने अपने बालों को देखा ही नहीं कि मेरे बाल किस हाल में, कंघा भी मार लेता है बंदा बालों में. अब मैं मशीन को ऑन करने लगी हूँ. हाँ, मुझे इन चीज़ों से थोड़ा डर लगता है क्योंकि पहले एक बार मुझे करंट लग चुका है, तो उसके बाद मैं कभी भी अकेले कोई काम नहीं करती, हमेशा सुपरवाइज़र की मौजूदगी में ही काम करती हूँ. यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी हरकत कर दी, सारे कलर्स के कपड़े उठा के एक साथ डाल दिए. मुझे नहीं था पता कि वाइट कलर के कपड़े अलग वॉश होते हैं और दूसरे कलर्स के अलग वॉश होते हैं. और मुझे पता भी अब लगा जब मैं हरकत कर चुकी हूँ. अब मुझे डर इस बात का ऐसे ना एंड में सारे वाइट कपड़ों पर रेनबो बने हुए हों. और मैं यहाँ खड़े होकर कलर्स ऑब्जर्व कर रही हूँ कहीं चेंज तो नहीं हो रहे, क्योंकि अगर कलर्स चेंज हुए और किसी के कपड़े ख़राब हुए तो मेरी भी धुलाई इन्हीं कपड़ों की तरह होनी है फिर. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे इस साउंड से शदीद नफरत है, बहुत बुरी लगती है मुझे आवाज़, पता नहीं क्यों. मुझे आइडिया नहीं था कि कपड़ों के साथ इस तरह रेसलिंग भी करनी पड़ेगी. अब सेकंड स्टेप में हमने इन कपड़ों को रिंस करना है, इसलिए मैं उस साइड का पानी ऑन कर रही हूँ. मुझे लगा कपड़ों को ऐसे ही रख के बस बंद कर देंगे, खुद ही काम होता रहेगा, लेकिन फिर ऑर्डर आया कि नहीं, इसको अच्छे से प्रेस भी करना है. मुझे लगा अच्छे से सेट हो गए होंगे, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया और अब मैं बटन ऑन करने लगी हूँ इसको. लेकिन ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी सेट नहीं हुए थे और फिर हमें इसको यहीं से स्टॉप करना पड़ा और फिर इसको सेट करवाया. सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया. अब हम थर्ड स्टेप में कपड़ों को ड्राई करेंगे. उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ से पानी ऑफ करना है और उसके बाद दोबारा से इस बटन को ऑन कर देना है. हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया और हमारे कपड़े ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं. पता नहीं मशीन को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई और तब से शोर मचाना शुरू कर दिया इसने. अब हमने इनको एयर ड्राई करना है 5 to 10 minutes के लिए, मैक्सिमम 15 minutes लग जाएंगे बस. सो फाइनली हमारा आज का मिशन कंप्लीट हुआ. इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं था यार, इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस थी. मैक्सिमम मुझे 30 मिनट्स लगे होंगे ये काम कंप्लीट करने में. फिर पता नहीं क्यों लोग इतना हाई क्रिएट कर रहे होते हैं कि यार लॉन्ग नेल्स के साथ काम करना इतना मुश्किल होता है. इस वजह से मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया. तो इसके बाद हम कुछ और नया ट्राई करेंगे
और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।